हेलो भाइयों, आज हमारे पास में ओप्पो का A33 फ़ोन आया है जो कि काफ़ी पुराना फ़ोन है, 2015 का मॉडल है। और इसमें क्या है, ओनो का जो बटन होता है जैसे कि वॉल्यूम अप और डाउन है, इसका प्लास्टिक का भी है और नीचे इसका पत्ता भी है, लेकिन इस साइड यदि हम ओनो का पता ना तो पत्ता है ना ही इसके ऊपर प्लास्टिक का एक बटन है। तो इस चीज़ को, इस समस्या को हम किस प्रकार रिपेयर करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इजीली यहाँ पे जो चाइनीज़ बटन आते हैं चाइनीज़ फ़ोन के, वही हम लगाएंगे। ये 2-in-1 काम कर देगा, एक तो सप्लाई ले लेगा और इस बटन को बंद चालू करने से ऊपर से प्लास्टिक के बटन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बटन हम यहाँ पे लगाएंगे और हमें पहले ट्रैक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो वो कहाँ पे होगा, है ना। तो जनरली इस प्लेट के, इस मदरबोर्ड के नीचे दो लेग होती है जो कि एक प्लस होती है एक माइनस होती है, लेकिन ये जो गोल सर्कल दिख रहे हैं इसमें एक प्लस है, ये वाला प्लस आएगा और माइनस हम बॉडी से कहीं से भी ले सकते हैं। तो बैटरी को मैंने डिसकनेक्ट किया और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, ये यहाँ पे माइनस पे जोड़ा और इस प्लस पे अर्थिंग करी, तो ये वाइब्रेट हो गया और फ़ोन ऑन हो गया है। ठीक है, तो हमें एक जम्पर यहाँ पे लेना है और एक जम्पर यहाँ पे ले लेंगे माइनस पे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है उस पे दो तार हमें जोड़ने हैं। तार ज़्यादा लंबे नहीं जोड़ने क्योंकि ऑन ऑफ पास में, ये जो जम्पर लगाएंगे वो पास में ही आएगा, तो इस तार से ही दोनों वायर हम बना देंगे। कैंची से कट कर लिया, किसी भी वायर पे रंगा लगाने का इजी मेथड ये है कि एक टाइम में दोनों तरफ लगा दिया जाए और जब भी हम लगाएंगे तो एक जो इंसुलेशन इस पे लगा हुआ होता है वो हटेगा तभी जो सोल्डर है वो चिपकेगा। तो जब हटेगा इंसुलेशन तो यहाँ से एक धुआं निकलेगा, तो उसका मतलब समझ लो कि हमारा वायर है जो कि सोल्डर पी चुका है। अब जैसे यहाँ से धुआं निकलना बंद हो गया, अब जैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे धुआं निकलना चाहिए, हल्का सा निकला हो, इसने रंगा ले लिया, हल्का सा निकला धुआं, यहाँ पे नहीं निकल रहा है। तो एक बार इसको कट कर लेते हैं हल्का सा, ओके, ये धुआं निकला और यहाँ पे ये रंगा पी चुका है। ऑन ऑफ स्विच लेना है, ऑन ऑफ स्विच के दो इसमें लेग होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। इन दोनों वायर पे, इन दोनों लेग पे हमें ये वायर जोड़ने हैं। तो वायर जोड़ने के लिए जैसे कि ये छोटा है तो इस पे एक वेट रख देते हैं ताकि ये मूवमेंट ना करे, तो वेट रखने के लिए कोई भी भारी चीज़ इस पे रख देते हैं। सोल्डरिंग जैसे हम करते हैं तो हमें पीछे से आगे की तरफ आना चाहिए, उधर से इधर आना है, तो ये लगाएंगे तो ये दिक्कत देगा, पहले ये लगाते हैं, पीछे वाला पहले लगा दिया और आगे वाला लगाना है। यदि आगे वाला पहले लगाएंगे और पीछे वाला बाद में लगाएंगे तो ये इसकी हीट से वापस हट जाएगा, तो हमें सोल्डरिंग पीछे से आगे की तरफ चलना पड़ता है। दोनों वायर हमने जोड़ दिए हैं,
दोनों इसकी जो लेग है उन पे। इसको जोड़ने से पहले हम जो हमारे पास में बोन फिक्स आती है, बोन टाइट, बोन टाइट को दोनों को मिक्सिंग करना है, जो कि इस पैकिंग में आती है, एक रेड आती है और एक ब्लू आती है। तो इसको ओपन किया, हल्का सा बस इतना ही लेना है, और इसमें ये ध्यान देना है कि जितना हम ये रेड लेते हैं उतना ही हमें ब्लू भी लेना है। दोनों इक्वल, और इनको बंद कर दिया। पेस्ट के लिए इनको दोनों को आपस में मिक्स कर लिया प्लास्टिक की कोई भी चीज से। जब तक हम ये लगाएंगे करेंगे, जब तक यहाँ पे ये अच्छा सा एक ग्लू टाइट बन हो जाएगा, तो बस उसको लगाने के फिर रहेगा। विद इन ये 15 मिनट में टाइट हो जाता है हार्ड। अब भाइयों, जैसे ये वाली जो होल प्रिंट है, ये इसका पावर बटन है, तो माइनस हम इसको यहीं दे देते हैं पास में। तो इन दोनों पे रंगा लगा देते हैं, फर्स्ट माइनस पे, जैसे कि ये प्रिंट है जो माइनस वाला प्रिंट रंगा ले नहीं रहा है, तो इसको हल्का सा कस लेते हैं, और इस पे एल्युमिनियम पेस्ट आता है जो लगा देते हैं। अब ये इसने रंगा ले लिया है, मतलब सोल्डर ले लिया है। एक वायर इसका माइनस पे जोड़ देते हैं, ओके, और एक वायर इसका प्लस वाली लेग पे जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमें दोनों वायर को जोड़ना है, एक प्लस पे और एक इसकी पावर की पर और एक इसके माइनस पर। जैसे हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाना चाहिए। इसको प्रेस किया और ये ऑन हो गया, वापस बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बटन यहाँ पे वर्क करेगा। एक भाइयों, अब इसको हमें यहाँ पे रखना है, जहाँ पुराना सेट हुआ था वहीं इसको रखना है। हल्का सा हम इस पे प्लास्टिक का जो ये कोई भी ओपनर जो वो लगाते हैं ना अपन, ग्लास डी प्लस वगैरह, उसका जो वेस्टेज आता है वो लेके पीछे लगा देने का है, ताकि ये यहाँ से माइनस ना हो। पीछे अपना जो दो लेग है, दो तार हैं, वो इस बॉडी से कनेक्ट होके माइनस ना हो, बस ये इसीलिए लगाया गया है। इसको प्रेस कर देते हैं। दोनों तार को दूर दूर रखना है, पहले इन सब तार को सेट कर देते हैं और बस ये भी पेस्ट लगा देते हैं, और यहाँ पे ये जाम हो जाएगा।
अब जैसा कि भाइयों इसको हमने परफेक्ट यहाँ पे फिट कर दिया, इतना ही हिस्सा ये बाहर नज़र आएगा ऑन ऑफ के लिए, और हमारा ये पेस्ट भी अच्छा सा टाइट हो गया है। अब इसको यहाँ पे फिल करना है, ये लिया। फिल करते समय हमें ये ध्यान देना है जो हमारा ऑन ऑफ स्विच हमने लगाया है और जो इसका ब्लैक हिस्सा है आगे की तरफ जो कि मूवमेंट करेगा अप डाउन के लिए, उस पर ये नहीं लगना चाहिए, तो ये इजीली मूवमेंट करना बंद कर देगा। इसको अच्छे से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको ध्यान रखना यही है कि जो आगे वाला हिस्सा है ऑन ऑफ स्विच का, ब्लैक वाला जो हिस्सा हमें दिख रहा है जो कि बंद चालू होगा, वहाँ नहीं जाना चाहिए ये बेस्ट। वहाँ जाएगा तो ये फिर ऑन ऑफ में दिक्कत आ जाएगी, फिर इजीली ऑन ऑफ नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। तो इसके आसपास अच्छा सा लगा दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट। कुछ देर बाद में यहाँ पे जाम हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में। बकाया को अपन साइड कर लेते हैं, इसको भी साइड रख देते हैं। बैटरी कनेक्ट करी, बैक कवर लिया, परफेक्ट है। एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ, जैसे कि बंद नहीं हो रहा था, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्पीकर के पास में कोई भी नट वगैरह लग जाता है चिपक, उसमें जैसे कि मैग्नेट होती है तो फिर वो बंद नहीं होता है, तो प्रेशर नहीं करना, नहीं तो वो जहाँ पे जिस चीज़ पे प्रेशर आएगा वो चीज़ को वो ब्रेक कर देगा। स्क्रू को तो कुछ नहीं होगा, वो जिस चीज़ से अड़ेगा वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। इसके कुछ नट हैं वो हम लगा देते हैं, जैसे कि हमने सारे नट लगा दिए हैं। अब इसके बाद में ये अब तक सूख भी गया अच्छा सा, ये ऑन ऑफ अब हमारा इजीली वर्क कर रहा है। हाँ, तो हमने सारे इसके नट कस दिए हैं और अब इसको ऑन करते हैं। ये रहा स्विच, ओके। इस स्विच को यहाँ पे दबाते हैं और ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। एक बार ऑन हो जाए तो ऑन ऑफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अल्ट्रेशन करा यहाँ से, जो
लोहे की शीट थी उसको हमने ऐसे कट कर दिया ताकि वो तार वगैरह वापस ना दबे। यदि पावर का जो तार है पावर की का यदि वो इस लोहे की शीट से दबेगा तो फोन ऑन ऑफ होता रहेगा, तो वो समस्या नहीं आए इसलिए यहाँ से इसको कट कर दिया है। थोड़ा सा फोन ऑन हो जाए एक बार। फोन ऑन हो चुका है, ब्राइटनेस तो इसकी बढ़ेगी नहीं। और ये करा पावर ऑफ पावर ऑन पावर ऑफ पावर ऑन। तो इस प्रकार हम कोई भी पावर ऑफ की या वॉल्यूम अप और डाउन की यदि खराब है तो यहाँ पे चाइनीज़ बटन लगा सकते हैं और जो कि 100% वर्क करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।